एनपीआर की बात हो रही है इस देश में, मैं एनपीआर की बात हो रही है इस देश में। पूछते हैं कि आप अपने बाप का बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसमें ऐसा फॉर्मेट आ रहा है जो देखने में आया। अरे जिस देश में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो हैं 40 साल पुराना रिकॉर्ड न दे पाए डिग्री और सर्टिफिकेट का, आप ऐसे वंचित समाज के लोगों से जो लाखों लोग हर साल बाढ़ में पलायन कर जाते हैं, जो ठेला रिक्शा चलाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं, उनसे आप उनके बाप दादाओं का डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उनका घर का एड्रेस पूछेंगे। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इसी सदन में 2007 में इसी तरफ कहीं खड़े हुए एक सदस्य ने सुबक सुबक के वो रो रहे थे, सोमनाथ दादा यहां इसी चेयर पे बैठे थे, और वो सदस्य कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, मुझे झूठे मुकदमों में फंसा रही है, मुझे गलत मुकदमों में फंसा के जेल भेज रही है। बदकिस्मती से आज वही सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे आपने पुलिस को उकसाने का काम किया, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा जो है पुलिस की गोली से निर्मम लोगों की हत्या की गई है, आप ऐसी पुलिस बनाना चाहते हैं। मैं पुलिस सिस्टम, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस हो, पुलिस अच्छी होती है लेकिन उसके जो आका होते हैं राजनीतिक आका, उसको उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। यही दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल हो जाती है जब दूसरी सरकार होती है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत प्रोफेशनल हो जाती है जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती है, कहीं कोई परिंदा पर नहीं मानता। लेकिन वही पुलिस मेरठ के अंदर पुलिस अधिकारी कहता है उन आंदोलनकारियों से जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कि जाओ पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करो, शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों से, ऐसी सोच रखने वालों से कि जिनको आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाकर आंदोलन करो, मैं कहना चाहता हूं जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो उनके पुरखों ने मजहब की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क को अपना मुल्क नहीं माना था, उनके पुरखों ने जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो महात्मा गांधी को अपना लीडर मानते हैं, जो अंबेडकर के को अपना लीडर मानते हैं, जो मौलाना आजाद को अपना लीडर मानते हैं, उन्होंने उनको अपना लीडर माना, इस मिट्टी को अपना वतन माना, उनकी देशभक्ति पर आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते। माने सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो लोग यहां पर बाय चॉइस हैं, बाय कंपल्शन नहीं है। उनको चॉइस दी जा रही थी उस वक्त कि आप मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद करोगे या सेकुलर मुल्क में रहना पसंद करोगे, तो हमारे पुरखों ने सेकुलर मुल्क में मिली जुली संस्कृति के वाले मुल्क में रहना पसंद किया, एक मजहब के आधार पर बनने वाले मुल्क में रहना पसंद नहीं किया।